भाई मैं नारे नहीं लगाओ, पंजाब असेंबली तक आवाज़ पहुंच गई, मुझे ना चुक ले गई। और दिन रात वेलकम टू हंसना मनाए, अब ताली बजाएं अच्छी सी। काश ये सीटियां मर्दों से ना आ रही होती, सख्त सख्त मुंह वाले लड़के सीटियां बजा रहे हैं, मुझे देख के शर्म सी आ रही है। और दिन रात क्योंकि आपका आपको पता ही है, ये रजिस्टर में करा चुका हूँ कई बार, कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम इतने मिडिल क्लास हैं जैसे अमीर लोगों के नाम होते हैं ना, नाहिद खुर्रम अंजार वाला, हमीद रंगून वाला, हम इतने मिडिल क्लास थे, मेरा नाम था ताबिश वो वाला, इतना कॉमन। अच्छा, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनमें सबसे खास बात, हमने कुछ अरसे पहले बात की मिडिल क्लास अम्मी के बारे में, मिडिल क्लास अब्बा भी एक यूनिक चीज़ होती है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है बिजली बचाना, घर में हर वक्त बटन बंद करते रहते हैं, अब्बू बिजली बंद कर दो, लाइट बंद करो, ये कहाँ जा रहे हो। मिडिल क्लास फैमिली में आपने देखा एसी की सेटिंग, एक एक ही कमरे में एसी लगा होता है, सही है, सब एसी के बिल्कुल नीचे अम्मी अब्बू ठंडे रहते हैं, फिर सीक्वेंस में बच्चे लगे होते हैं, बड़ी बहन, उसे छोटा भाई, सबसे आखिर में, सबसे छोटा था सबसे आखिर में। मैं तो गर्मी में ही था, गर्म रहा हूँ मैं बचपन से, तो एसी के मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, अब्बू ना वो मिडिल क्लास अब्बू की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, आप घंटी बजाएंगे तो उसे घर पे ना एक बंदा निकलेगा छत से बनियान पहना हुआ, कौन है अब्बू, अंकल ताबिश को बुला दे, नहीं है बेटा। मिडिल क्लास अब्बू कभी अपने बच्चे को घर पे दोस्तों से नहीं मिलने देते, तुम्हारे दोस्त यार आवारा होंगे, बस बाय डिफॉल्ट सारे दोस्त आवारा होते हैं अब्बू के नज़दीक। अच्छा, जब आपकी वो उम्र आती है ना, जब आप ट्यूशन पढ़ाते नहीं है, बल्कि पढ़ना छोड़ देते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तब आपके अब्बा आपको ताना देना शुरू करते हैं। और कोई ऐसा आ जाए ना सीन टीवी के ऊपर के भाई उसने 15 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्टिफिकेशन कर ली, तुम कब करोगे, कुछ किया करो, फाइबर पे काम करो, इंटरनेट पे काम करो, एक काम करो फ्री डांसर बन जाओ। वो फ्री डांसर, अम्मी भी परेशान हो गई कि अब इतने बुरे हालात तो नहीं है। फिर मैंने समझाया अब्बू फ्री लांसर होता है वो, फ्री लांस फ्री डांसर नहीं होता इस तरह के। अच्छा, आप अच्छा अब्बू जो होते हैं मिडिल क्लास अब्बू, इनकी खास चीज़ होती है इनका स्कूल कभी घर के करीब नहीं हुआ। आप कभी अपने अब्बू से पूछेंगे अब्बू स्कूल, बेटा हम जाते थे स्कूल तो दो गांव तीन जंगल हैं, ये पार करे, फिर एक वर्ल्ड वॉर लड़ी, बीच में तीन मार्शल लॉ भुगताए, फिर स्कूल आता था। अच्छा, मिडिल क्लास अब्बू की एक और निशानी बताता चलूं, इनकी जेब में पैसे कम मिलेंगे, टिश्यू और टूथपिक बहुत मिलेंगे, इतना खाते नहीं इतना फंसा लेते हैं। तो इस तरह की अब्बू के जो मसाइल हैं, इनके बावजूद एक चीज़ ये है कि अगर अम्मी जो है ना वो हमारी हमें परवरिश में जो है वो मदद करती हैं, हमारी परवरिश करती हैं, हमें बनाती हैं, तो वालिद साहब ये मेक श्योर करते हैं कि वो सारी मुसीबतें अपने ऊपर लें और हम तक सिर्फ सुख और चैन पहुँचे। तो अब्बुओं के लिए, अब्बू तमाम अब्बू के लिए, अब्बू गुड जॉब, वेल डन अब्बू, मैं खुदा के वास्ते एसी थोड़ा ठंडा कर दें, आप तो बनियान में सो जाते हैं, मुझे नींद नहीं आती। आज जो लोग आए हुए हैं हमारे मेहमान, वो भी अब्बू हैं, विलन्स के अब्बू। आज शो जो है ना, आप समझ लें वो नहीं होता रजिया गुंडों में फंस गई, मैं हूँ रजिया, और आज शो का नाम है हंसना मनाए, आज शो का नाम है फंसना मनाए। I would like to call upon Nayyar Ijaz and Shiv Gachiba. Yes, sir. Welcome to हंसना मनाए, please बैठिए सर। सर आज इतने बड़े बड़े विलन, बाप मैं बता रहा हूँ बाखुदा मेरी रूह तक ने दुपट्टा पहन लिया अंदर, इतना मैं डरा बैठा हूँ। यार हम इतने बुरे तो नहीं कि हमें देख के तुम दुपट्टा पहन ले? नहीं नहीं, ये तो सर है ना, आपका कैरेक्टर्स बचपन से हमने ऐसे देखे हैं। बचपन से मतलब वाकई में मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। अच्छा देखो, हम दोनों ने एक चीज तय की थी जब मैं फिल्मों में आया था जी, तो मैंने और चीमा साहब ने एक चीज तय की थी कि चीमा साहब खवातीन को उठाएंगे आप, हाँ उठा के ये लाते थे, बाकी खिदमत मैं कर देता। आपने बड़े बड़े विलन देखे होंगे। जी जी, महसूस भी किए। जो भी विलन आए, मदरशाह साहब आए, जग्गी मलिक साहब आए, दूसरे आए, उन्होंने एक एक ही लड़की उठाई। शफ चीमे को ये शर्फ है, इसने एक नहीं दो दो उठाई है। हमने इंडस्ट्री में एक पहलवान पैदा किया हो। पहलवान सर, अच्छा ये इससे पहला सवाल बनता है सर, आपने पहलवानी भी की है जी, आपने पेंटिंग भी की है जी जी, आपने मालिश भी की है यदि ये तो बस यार ये सबसे सीखना किससे मिला आपको?
मुझे शौक था कि मैं फिल्म एक्टर बन जाऊँ। ठीक है। एक प्रोड्यूसर उन्होंने मुझे बुलाया कि यार ये मेरा एक काम है। मैं कहा जी जी आप मेरे साथ चले। मैं उनके साथ डॉक्टर के पास चल गया। वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते थे। ठीक है। वो डॉक्टर ने जब देखा ना तो उसने कहा कि यार ऐसा लड़का हो जो बॉडी बिल्डर में, उसको मिस्टर लाहौर था। अच्छा। तो ऐसा लड़का हो जो आपकी टांग की मालिश करे तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन मालिश जो है वो ट्रांसफॉर्म के तेल की होगी, ये जो बिजली का ट्रांसफॉर्म तेल है उसकी। तो मुझे शौक था, मैं पेंटर आर्टिस्ट था। तो शौक किस चीज़ का? मालिश का? नहीं, मालिश का शौक है मालिश का शौक नहीं था, मुझे एक्टर बनने का शौक था। सॉरी सॉरी। हाँ जी, मैंने उसे कहा कि आप मुझे हीरो ले लें, मैं आके आपकी टांग की मालिश करूंगा। अच्छा, मैं बता दूं, प्रोड्यूसर साहब थे जिनकी लात खराब थी, भाई को एक्टर बनने का शौक था, तो तब मालिश शुरू की इन्होंने उसकी। आप मैं बात की गहराइयों में जा रहा हूं। हाँ। देखो आज आप आज के दौर के आर्टिस्ट हैं ना, थोड़ा सा आपने YouTube पे कमाल किया तो उठा के आप प्रोग्राम में ले आए। उस वक्त ये चक्कर नहीं था। उस वक्त तो बहुत खिदमत करनी पड़ती थी, फिर टैलेंट उभर के आता। जाहिर मालिश कर रहे हैं, बताइए। मालिश ऐसी की कि फिर सर मालिश कहां तक ले गई आपको? अगर मैं मालशिये का वो रोल अदा ना करता तो आज शफकत शफकत चीमा ना होता। बात सही। सर जो आपका धुआं ड्रामा आया और गालबन, मैं उस वक्त चौथी क्लास में था, 93-94 में, और वो इतना इम्पैक्ट था। एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम उस वक्त चौथी क्लास में थे? मैं चौथी। बाल तुम्हारे ज्यादा सफेद है मुझसे। मुझे याद है उसमें जो कैरेक्टर था नबील, जब वो पहली एक एपिसोड में वो मर जाते हैं तो बकायदा लोग रो रहे थे घरों में, स्वयं वो हम रख लिया नबील का, और उसमें आप विलन थे, आखिर में पूरी टीम को आप ही मरवाते हैं, तो लोग आपसे नफरत करने लगे थे उस कैरेक्टर की वजह से। ऐसा तो नहीं हुआ कि अभी आप उसके बाद रेस्टोरेंट में गए हों तो लोगों ने बच्चे छुपा लिए हों, औरतें पीछे कर ली हों कि वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं? नहीं नहीं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता था। बताइए कि मैं जब रेस्टोरेंट में जाता था खूबसूरत औरतें मुझसे आके ऑटोग्राफ लेती थी। शफकत सर वर्जिश आप बहुत सालों से कर रहे हैं, अब तो 40-50-60 साल हो गए होंगे वर्जिश करते करते। नहीं 60 साल तो नहीं हुए, तुसी एटा भी छोड़ मैनू ना कहो यार, ये सिर्फ 32 साल के 3-4 बार। हाँ मतलब 32 साल के। ये हमारी अम्मी है, उनसे कोई पूछो ना इसकी उम्र कितनी है तो वो कभी नंबर में नहीं बताती। अम्मी अफशां भाजी की उम्र कितनी है? बेटा वो जब पैदा हुई थी तो समझ लो अनवर की शादी हुई थी। अनवर की शादी कब? अनवर की शादी तुम्हारे समझ लो फुप्पो की पहली जो बच्चा हुआ उस दिन हुई थी। अब आप मैथ की इक्वेशन बनाते रहो, x प्लस वाई इज इक्वल टू अनवर। बिल्कुल वैसी बात आपने की कि 82 में आप मिस्टर लाहौर बने थे। ये बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए अच्छे ही होते हैं। तो 20-21 साल तो होंगे आप 82 में। यस यस। तो वर्जिश का जो स्केड्यूल था वो बताएं, हम जैसे सुस्त नौजवान जो पड़े रहते हैं घर में लेटे रहते हैं और खाली लेटे रहते हैं आपकी तरह नहीं, तो ये वर्जिश कैसे होती है? असल में जिन्होंने अपना नाम कमाना होता है ना वो रात को जागना थोड़ा सा पसंद करते हैं, फखर करते हैं, वो अपने जिस्म को आराम नहीं देते और किसी के जिस्म को भी आराम नहीं देते। मारते रहते ना आप लोग विलन रहे। यस यस यस। 60 साल उम्र, 946 मूवीज आपने एटलीस्ट की है, 946 समझ लें 15 मूवी आप महीने की निकाल रहे हो, साल की 15 मूवी साल की। जी जी। तो सर ये कैसे मैनेज कैसे करते थे? हम तो एक शो कर लें हमारी गर्म पानी पांव डाले बैठे रहते हैं, फिर पांव आ गए बीच में। जिद्दत की बात है, जो अपने मंजिल को तलाश के लिए लोग निकलते हैं ना। हाँ। उनके अंदर एक जज्बा होता है। वाह। रात के अंधेरे में जैसे कि मैं दिन फिर रात का अंधेरा, रात के अंधेरे में फिर वो सोचते हैं कि मैंने अपना नाम कैसे रोशन करना है। रात के अंधेरे में वो सोचते हैं नाम कैसे रोशन करना है। रोशन करना होता है रात के अंधेरे में। हाँ सोचो 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 रात के अंधेरे में नाम रोशन करना। सर जब काम स्टार्ट किया, क्योंकि आपने तो माशाल्लाह पढ़ाई भी पूरी की, मास्टर्स भी किया पॉलिटिकल साइंस में, माशाल्लाह मास्टर्स किया। जी जी। जब ये काम करने लगे तो घर से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उस जमाने में? तो शायद वो घर का ऐसा मसला नहीं था। वालिद साहब जो थे वो बहुत लिबरल टाइप के थे, वो कहते थे जो बनना है लेकिन आपने पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर। सही है। तो वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं लाहौर में पढ़ता था, तो फिर मुझे जाना पड़ गया क्वेटा। ठीक है। फैमिली वहाँ थी
अब क्वेटा में जाके वक्त गुजारने के लिए आप देख रहे हैं, बड़े शहर से जब एकदम छोटे से शहर में जाएंगे तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम मुश्किल होती है। बस एक जगह पे एक डायरेक्टर साहब ने देखा, उसने कहा जी हम लोग क्वेटा में ड्रामे शुरू हो गए, आप काम करेंगे? मैं कहा जी मुझे तो आते ही नहीं है, मेरे तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं कैसे काम शुरू करूँ? उन्होंने कहा नहीं हम करा लेंगे, बस आप ओके कर दें। तो पहले ही जब मुझे कास्ट कर लिया मैं गया तो मुझे सरदार का रोल मिला था, यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था। बलोच सरदार का या सिख सरदार का? नहीं नहीं बलोच सरदार। बलोच सरदार का। वो जब मैं करने गया तो लाइने वो हाफजा अच्छा था, एकदम याद हो गई। उन्होंने कहा जी यहाँ से आके यहाँ के ये इधर बोलना है, और मैंने आके लाइने बोलना शुरू कर दी। तो उसके बाद जाके थोड़ा जब समझ आई कि यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर है, तो फिर मैंने इस काम की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। वाह। यानी आपको कोई मालिश वालिश नहीं करनी? नहीं नहीं मैं उस तरह से बिल्कुल नहीं है मालिश करके। अच्छा तुसी मैंनु मालिशिया का मशहूर कर दे। अच्छा ये एक अजीब सा सवाल है आप दोनों के लिए, पता नहीं अजीब है नहीं है, तमीना पीरजादा के अंदाज में पूछूंगा। कभी प्यार हुआ है? हर रोज होता है। कोई ऐसा इश्क जो याद रह गया हो? हाँ यार जब छोटे थे तो यही कोई 10-15 साल पहले की बात, आप इसको ये समझ ले कुछ 7 साल पहले की सात साल पहले की बात जब हम छोटे थे, अभी मैट्रिक, बहुत ही छोटे थे, मैट्रिक में होंगे, मैट्रिक यार खुदा वास्ते जी इतना भी झूठ ना बोलो यार। तो एक जगह स्टार्ट हुआ, अच्छा बहुत ज्यादा इश्क चला, और उसके बाद सब छोड़ छाड़ के मैं चला गया क्वेटा, और जब आया तो 3-4 छोटे छोटे इश्क थे। शफकत सर मेरा इश्क बड़ा मशहूर है। कहाँ? वो है रीमा जी के साथ। हाँ वो इश्क के काबिल थी, मैंने उनको देखा अपने इश्क में। वाह। एंड इश्क जिन्हां नूं लग जांदा वो फिरते हैं वहां दीवाने दे। इश्क जिन्हां नूं लग जांदा वो फिरदे ने वांग दीवाने दे, कई सुक जांदे कई मुक जांदे कई सड़ जांदे नाल उतने आंदे। वाह वाह। ते अकल जिन्हां दे एक ते लत रखे अकल नस जांदी है विचो खानियां दे, बद्दे इश्क दे यारो नहीं छुटदे कैदी छुट जांदे कैद खाने। क्या बात है सर आप ये देख रहे हैं, ये मैं हर शो में 200+ बिरयानी पे ऑडियंस बुलाते हैं। आज VIV ऑडियंस ये आपसे सवाल पूछना चाहती है, इनके दिलों में सवाल है। जी जी। तो मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा और इनसे सवाल पूछूंगा। यस यस। हां भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ममनून हुसैन है, और मेरा सर से ये सवाल है कि सर ने इतनी मूवीज में हीरोइंस को उठाया है, तो कभी आपने जानबूझ के रीटेक किए हैं? असल में बात ये है कि दूसरा मौका जो है ना वो देते हैं जो नाकाम लोग होते हैं। और किसके पास था? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद। क्या करते हो अब्दुल्ला? स्टडी। क्या स्टडी? क्या स्टडी? अबे क्या स्टडी? नाइन्थ क्लास में पढ़ो सर। इसमें नाइन्थ क्लास में? नाइन्थ क्लास में? जी सर। कच्चा ही आ गए तुम तो, कच्चा ही आ गए बिल्कुल। क्या सवाल है? इन्होंने इतनी मूवीज में काम किया है जिनमें ये विलन बने हैं, तो कभी ये कभी को इनको असली जिंदगी में विलन टकरा है? शफकत सर ये बताइए, मैं तो कराची से आया हूँ, आपको पता है कराची में मोबाइल चोरी ये वो होता है रोड पे, कभी आपके साथ कोई ऐसा हुआ आपके साथ? सर पहले तो शफकत सर से पूछूंगा, कभी ऐसा कोई बदमाश आपको लड़ गया हो और आपको देखा अभी शफकत सर यूं भाग गया? हाँ कई बार ऐसा टकराव हो जाता है। कई बार जब नया नया मैं एक्टर बना ना तो मैं रात के कोई 2-3 बजे अपने घर जाता था। वाह। तो उनको पता अपने घर जा रहे थे? अपने घर जा रहा था। किसके घर से? तालियां। विलन ये कितना शरीफ आदमी अपने घर जाता था। ये किसी के घर से जा रहे होंगे ना भाई? मैं स्टूडियो से घर जाता था अपने। अच्छा, तो बदमाश की बात हो रही है ना। हाँ। बदमाशी है तो मैं रास्ते में खड़ा हूँ तो मुझे उस बदमाश ने रोक लिया। ठीक। मैंने कहा यार आप देखते हैं कि मैं फिल्मों में बदमाश बनता हूँ, आप बदमाश बनकर रोक रहे हैं कि यार मुझे पैसे दो, ये करो वो करो। तो ये पैसे बड़ी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, तो मैं आपको दे दूँ? तो ऐसे कि झगड़े की बिना जो थी ना वो बन गई। अरे वाह। तो वो अंदर का जो शफकत चीमा था वो जाग पड़ा, वहीं रिहर्सल कर ली। आज भी वो निशान है मेरी इस उंगली पे,
नजर आ रहा है मुझे खंजर मार रही है, मार दिया उसने और मैंने उसको हाथ जो था वो पकड़ लिया। ओह क्या बात। नहीं सर, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें आपको मैन ऑफ 1000 फेसेस यानी कि हजार चेहरों वाला इंसान कहा गया। बहुत बड़ा एहसास वो होता है ना, वो हमारे जितना मुंह उतनी बातें होती हैं, जितने चेहरे उतने किरदार आपने अदा किए। क्या कहानी है, हाउ डू यू फील अबाउट इट, डू यू थिंक इट इज़ राइट, या आपको लगता है नहीं ज़्यादा ही लिख दिया है, या आपको लगता है कि मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लिख दिया है, और लेकिन एजाज को कम्प्लीमेंट्री लेना चाहिए। बिल्कुल। पिछले दिनों एक रिसर्च हुई जिसपे वो आया था कि 7 कैरेक्टर्स थे जो साइकोपैथी लोगों ने कैरेक्टर्स किए हुए, उनमें वन मैन आर्मी वाला आदमी था, उसमें रॉबर्ट डी नीरो साहब थे, उसमें मेरिल स्ट्रीप थी, उसमें जोकर वाले आर्टिस्ट भी थे, दो बहुत पुराने आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने साइकोपैथी के रोल किए, उसमें कालिदास मेरे भी तस्वीर लगाई हुई थी उन 7 में। व्हाट एन ऑनर सर, व्हाट एन ऑनर। आपको 1000 फेसेस क्यों गाया जाता है सर, और कितने किरदार अदा किए, उसकी कुछ एक झलक दिखाना चाहता हूँ मैं ऑडियंस को। है ये स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, ये किरदार आपका, ये है या शेख बने हुए अरबी, ये कौन है सर, ये कैरेक्टर का जरा बताइएगा। मौला जट फिल्म जो जो आ रही है अभी रीबूट, जो उसका नया आ रहा है वर्जन, हाँ वो उसका कब आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, ये बल्ला ही जानता है भाई, ये तो नवाज शरीफ बन गई है सर, आगे नहीं दे रही ये किरदार, बहुत वाओ। नहीं यार भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो जल्दी से एक काम कर लूं, और तीन नजर जल्दी से ब्रेक लें, फॉर पैसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू चल रहा है, हंसना मनाया चलता रहे। वेलकम वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? ब्रेक में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है? मेरे साथ मौजूद है नैयर जाज। नैयर भाई, अच्छा आपने कॉमेडी भी की, आप विलन भी आए, आपने कैरेक्टर्स भी किए हैं, बहुत चीजें की हैं, आप ख्वाजा सरा भी बने, तो आपने इन सबसे सब मजा किस जॉनरा में आता है आप? देखिए, जब तक किसी भी किरदार को करने के लिए आप उसके अंदर घुसेंगे नहीं, वो किरदार नहीं हो सकेगा। अच्छा, मैं किरदार में घुसना है हमें। अब ये किरदार अगर मना कर दे, मैं नहीं घुसने दूंगा, किरदार मुझे घुसने देता, ठीक है? मैं आपका है किरदार के साथ, मैं छेड़ लेता हूँ वो, फिर छिड़ जाता है। आपका किरदार थोड़ा बदसा है, बदसा। नैयर सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, जी 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 जी, जेके के बच्चे, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आप अच्छा? मेरा नाम हल्के लिया करें, आप मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाँ बोलो बोलो। आज तो नैयर इजाज साहब और शफकत चीमा साहब आए हैं। घबराने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं, अब आए आए यहाँ आए। आपस की बात है ताबिश। यार मेरी बात सुनो, क्या ख्याल है, इसको समझाने की कोशिश करो यार। सर बस कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो आप रुखसती कर सकते हैं। क्या मतलब है, लड़का खड़ा है और बड़ा भाई भी साथ है, रिश्ता मंगो पाजी। अरे मंगो मंगो यार, वो खुदा का खौफ करो यार, इसको समझाने की कोशिश करो यार। मैं क्या समझा सकता हूँ यार, चल भाई बात कर, उन्हें वक्त नहीं समझा पाया। देखें शफकत साहब और नैयर साहब, नहीं मैं कह रही थी कि आपके जमाने में हीरो हीरोइन के लिए क्या क्या कुछ नहीं करता था, करता था कि नहीं, और ये यहाँ बैठ के जुकते मारते रहते हैं, बस जुकते मारते हो, मारो मारो। नैयर सर क्या मारूं, आप मुझे बताएं, जुकते हैं यार, मुझे ये बताओ मेरे होते हुए मार सकता है कोई? नहीं 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 नहीं, बताएं मुझे, पाई अले नहीं, अले नहीं, अच्छा अले ठहर जाओ, शिकायत क्या है? फर्ज करें कि आपकी आंखों के सामने अगर शफकत चीमा साहब मुझे किडनैप कर लें तो आप परेशान होंगे कि नहीं? मैं क्यों परेशान होऊंगा, उनको काम आता है ये वाला, सही से करेंगे वो, आपको नहीं आता क्या सर? मैं नहीं फर्ज कर रहा, मैं फर्ज करता रहूं, पागल हूं मैं फर्ज करता रहूं भाई, तो आपको इतना छिड़ने का शौक क्यों है? बहुत शौक है ना आपका छिड़ने का, ये आज बैठे में पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करा दूंगा सर, आप छेड़े। नहीं नहीं इतना ना छेड़े, है तेरे बाजू नींद रानी आंधी, सारी सारी रात पैमरा सर पैमरा। यार मेरे होते हुए ओए शफकत चीमे के होते हुए, और इजाज़ नजर पूरी चुक के ले जाए। नहीं नहीं, भाग जा भाग जा, दौड़ जा दौड़ जा। सर सर पता नहीं शो कहाँ जा रहे, लेकिन कहीं तो जा रहे जा रहे, बस
सर नैयर ये बताइए, आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, यस, तो सियासत में आने का कोई इरादा? नहीं भाई, सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, और वैसे भी सियासत इतनी गंदी कर दी गई है, जबान और बिहेवियर इतने चीप हो गए हैं कि दिल नहीं करता सियासत की तरफ। भरपूर तालियां इस बात पे, भरपूर भरपूर बिल्कुल भरपूर दादा। आप नहीं, आप नहीं आएंगे, और ये सही बात है आपकी, गंदी हो गई है, मगर साफ लोग आएंगे तो सही होगी ना, तो आप भी मना कर देंगे तो सही कैसे होगी? मैं नहा धो के चला जाऊंगा गुसल करके। गुसल करके आपको लगता है सियासत में गुसल फर्ज हो चुका है? बिल्कुल सर। अब ऐसा है, एक अजीब सा गेम बना रहा हूँ दिमाग में मैं। मैं नैयर साहब का रिश्ता लेकर आया हूँ। अच्छा, नैयर साहब से मैं प्यार करता हूँ, ये एक दोषीज़ा है, खातून नैयर साहब आपने तो बड़े रोल किए ना। चलो ठीक है, देखो एक बात जरूर है, इज्जत बचाना आपका काम है, मैं इसमें वो नहीं बोल सकता। मैं कर भी क्या सकता हूँ सर। नैयर साहब का मैं रिश्ता लेने आया हूँ, आप इनके शफीक बाब हैं। अच्छा। आपने मुझसे शादी नहीं होने देनी। अस्सलामु अंकल, मैं अशफाक। वालेकुम सलाम। हाँ, हमारा सर कराची में बिजनेस है बोरियों का। अच्छा। हम बोरियां बनाते हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि सर ये जो आपकी लड़की है ना, ये फारिग घूम रही है, तो मैंने सोचा इसके हाथ पीले और मुंह लाल कर दूं। बजी इस ललत में कभी भी ब्याह ना करा। लेकिन आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? आपके बारे में सुन रखा है। दो बड़ा मामा कहिए तो एक मामा बन रहा है, तो ये तो जान दी गल कर। देखे बात में मैं डरता वरता कोई नहीं हूँ भाई, मैं लड़की का हाथ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा। हाँ, इतना बड़ा हाथ पकड़ लोगे? मैं दो बार में पकड़ लूंगा। तो फिर शादी चार बार में करेगा ये मुझसे? नहीं नहीं, हमें शादी करनी आती है, हम थोड़ी बहुत कर चुके हैं, लेकिन बस रिश्ता दें जी। अब्बा मैं नहीं ले सा, अब्बा मैं नहीं ले सा। मैं इसकी मूछों का ख्याल रखूं। असल में बात ये है कि आजकल बेटियां इसी तरह की आती हैं जिस तरह इनका मुंह है। अल्लाह करे हर बेटी को ऐसा बाप मिले। आमीन सुमा, ऐसा आमीन। बाप मिले जो इतना समझदार है, समझदार हो, आंखें भी ठीक हो, आंखें भी ठीक हो, और मालिश मालिश ऐसी करता हो कि सुभान अल्लाह। आज बहुत पिटूंगा मैं, बहुत पिटूंगा मैं आज। अब हम जा रहे हैं जरा ऑडियंस की तरफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान जी सर, क्या करते हैं सर? मैं सर टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ। टेक्सटाइल में जी जॉब करते हैं जी। बेगम के साथ आए? जी। क्या कह के लाए बेगम को, कहाँ जा रहे हैं? मैं शफकत चीमा और नैयर रिजाज को दिखाने ले जाऊं। सर पता चला था कि ये आए हैं तो इनको देखने के लिए। बेगम ने मना नहीं किया? नहीं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल शौक से जाना है। देख रहे हैं सर जी, देख रहे हैं। बेगम ने कहा नहीं, मैं शौक से जाऊंगी। वेरी गुड। तो सवाल पूछिए। अच्छा, मेरा शफकत साहब से सवाल था एक्चुअली ये है कि हम लोग शादी पे जाते हैं तो किसी से कोई टक्कर हो जाए, किसी को कोई इधर उधर नज़र चली जाए, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने तो 950 मूवीज़ कर ली हैं और तकरीबन हर हीरो को आपने उठाया, तो जब घर जाते हैं तो कोई ऐसी कभी हुई है कि एक ही कर रहे हो तुम? बेटा असल में बात यह है कि वो शफकत शीमा और है, जो घर में शफकत शीमा होता है वो कोई और है। मेरी छह बेटियां हैं माशाल्लाह, और एक मेरा बेटा है। वाह बेटा, हम कुछ और लोग हैं, स्क्रीन पर हम कुछ और नजर आते हैं। अच्छा शफकत भाई, मुझे बात बताएं कि रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? मजाहिया फिल्में देखते हैं, गाना गाते हैं, बस पड़े रहते हैं, कहीं निकल जाते हैं, किसी को बुला लेते हैं? मेरा जो ताल्लुक है ना, वो हाल में दीन घरा से मेरा ताल्लुक है। जब भी मुझे कोई वक्त मिलता है ना, तो मैं दीनी किताबों से उनका मुतालिया करता हूँ, उनसे अपना दिल लगाता हूँ। ये है ना, ये है? ये क्या हुआ? कहाँ जा रही हो चुमिया? घबरा गई? ये हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है, हम तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ साथ फेरे लेना चाहता हूँ। अभी लाजो, ओए ओए, दिल चले दिल जले। ओए लाले, तीन तीन विलन को छत तले, क्या बात है, आज तो बड़ा मजा आएगा। एक करेला ऊपर नीम चढ़ा और तीसरा चुंजवाला चढ़ा। मुगैम्बो खुश हुआ। अपना
शफकत सर आपका तारुफ है ना अमरीश पुरी से? आ, जी, जी, आप कोई अच्छे विलन लगते थे या बस एवरेज? नहीं वाकई मतलब भाई हमने तो शफकत मियां से बड़ा सीखा है। मैं अमरीश पुरी को सलाम जरूर करता हूँ, उनकी शख्सियत को, वो बड़े लोग थे। मैंने आपसे बड़ा सीखा है। आपकी देखा देखी मैं भी हीरोइन लेके कमादों में घुस गया। वाह, हैं कहाँ घुस गए? कमादों में। अरे हीरोइन तो घर पहुँच गई, मैं हॉस्पिटल पहुँच गया। जानते हो क्यों? क्यों? किसी बदबख्त ने गन्ना काट के छोड़ा हुआ था, वो मेरी कमर में चुभ गया। मेरी कमर में वो गन्ना घुसा, अगले दिन अखबारों में जानते हो क्या हेडिंग लगी? क्या? और चुपो। ये बैठे हुए शफकत चीमा, ये बैठे हुए नैयर एजाज, आप मुझे बताइए कि दुनिया में कोई इस मिसाल के विलन और हैं? नहीं, दुनिया में ऐसा विलन मैंने आज तक कोई नहीं देखा, यानी हर शख्स जिनसे नफरत करे। मैंने तो जिंदगी में जो कुछ सीखा एक दिन है। तो अभी आता हूँ। मैंने तो यार ये आज हो क्या रहा है यहाँ पर यार? मैं जो जो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद फंसा हूँ। अच्छा जी, आप मुझे इजाजत है और शफकत चीमा ने इधर मैं इधर हूँ। मैं प्राइम में थे शूटिंग का था। ये तो वो वायरिंग निकल रही, उनकी वायरिंग निकल गई। आप उनको देखते ही आपकी वायरिंग खराब हो गई। भाग जा। अरे यार ये देखा, मैं टीवी पे यौनी दूंगा। आप, मैं उनकी जगह अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। अबे हट पीछे, कुर्बानी देने को तैयार हूँ। जे के रौनक आप भागे, मैं अमरीश को संभालता हूँ। रुक जाओ, पूरी अमरीश मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होने दूंगा। आतंकवादी की कोई ख्वाहिश नहीं होती। हालात बहुत खराब होते, बहुत खराब होते। अच्छा इधर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेना पड़ेगा, आपको पता है पैसे उसी से बन रहे हैं। और दिनों रात प्लीज ब्रेक लेकर आइए और कहीं जाइएगा नहीं, वापस आइए ना। वक्त आ चुका है सर एक गेम खेल लिया जाए आपसे। इस गेम का नाम है गलत जवाब देने आपने सर। इस गेम में आपने सिर्फ गलत जवाब देने, रॉन्ग आंसर्स ओनली। इस गेम का नाम है, मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आपने पुट्ठा ही जवाब दे, ठीक है ना? सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा शफकत सर, क्या पाकिस्तानी हुकूमत अपने आर्टिस्ट का ख्याल रखती है? हाँ जरूर, क्यों रखती है? सर पे उठा के रखती है, मैं तो कहता हूँ रखती है, सर पे उठा के रखती है। गाड़ियाँ शाड़ियाँ लेके मुफ्त देती हैं। वाह, उनको मांगने से बचा लेती हैं। वाह, उनका इलाज कराती हैं, प्लॉट देती हैं, यस यस उठा के रखती है। वाह नैयर सर, क्या आज अदाकार अपने सीनियर्स की इज्जत करते हैं? आज के अदाकार इतनी इज्जत, जब सीनियर आते हैं तो जूनियर पांव में पड़ जाते हैं। अरे और जब तक सीनियर कहे ना वो उठते ही नहीं। क्या आप जवानी में दिल फेंक थे? नहीं, हमारे अच्छा नहीं समझा जाता इस चीज को। हाँ हाँ, हमारे खानदान में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता। मैं दिल क्यों फेंकूं? भाई मैं दिल क्यों फेंकूं? सही बात है। नहीं सर, खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम करना पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत खूबसूरत हूँ और खूबसूरत एक्ट्रेसेस को कटवा देता हूँ। वाह जी वाह। शफकत सर, मैंने आपके इश्तेहार देखे, मोबाइल का आपने कारोबार स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। चीमा मोबाइल, चीमा मोबाइल है वो, मैंने बड़ा इश्तेहार वायरल भी हुआ था। आप खुद मोबाइल रखना पसंद नहीं करते? आप यकीन कीजिएगा कि मोबाइलों की दुकान है, शॉप है जी हाँ, लेकिन मुझे नंबर मिलाना ही नहीं आता। अरे वाह। अच्छा गेम खेल रहे हैं, इस गेम का नाम है या। या अंग्रेजी वाला नहीं, उर्दू वाला। या होता ना, ये या तो ये या तो वो, ठीक है? ये गेम है। सबका सर आपसे स्टार्ट करूंगा, पंजाबी खाने या डाइट फूड? डाइट फूड। लाख का कालिदास या धुआं का सलमान? मुश्किल सवाल है ये, दोनों बहुत बड़े कैरेक्टर्स थे। लाख का कालिदास, वो बहुत बड़ा कैरेक्टर। पंजाबी फिल्म या पश्तो फिल्म सर? पंजाबी में, पंजाबी में, पश्तो में वो मजा नहीं रहा। नहीं वो ड्रामे या फिल्में? फिल्में। अच्छा, जबकि कम किए हैं आपने ड्रामों से, तो कम ही किए हैं। सबका सर आप ड्रामे या फिल्में? फिल्म, फिल्म ज्यादा। ड्रामे आपने किए हैं मगर आपने ड्रामे कम किए, फिल्में ज्यादा की हैं। जी, आप दोनों का ये उल्टा है, मतलब कि फिल्में तो बहुत ज्यादा की हैं। वो मालिश भूल गए हम लोग। अच्छा, ये बताएं, आप सवाल करें, अब जरा तकवा थोड़ा सा, मतलब ये बात अटक रही है यार, ये मालिश की बात क्या हो रही है बार बार? ऊंचे कंडिए एक, आओ आप आज, आओ आप आज। तेरे इस शोर शराबे की वजह से
मेरी भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। यानी कि आपकी भैंसों को इनके डर से परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही। बिस्मिल्लाह करा, वे पाकिस्तान के इतने बड़े विलन तशरीफ फरमाए। आइए साहेब, क्या हाल है? ठीक ठाक हसन मुराद, तुम तो ठीक हो ना यार? यार ये होते हैं मर्द पंजाब के, बैठो जनाब तशरीफ। ये देखो छाते, अपना आप देखो, ये देखो मर्द का चेहरा, वाह, और अपना देख लो जिवें पूंड सुकने पे है। ये देखे, ये होते हैं मर्द के कान। बड़े बड़े कान ने यार, वैसे कानून के कान, कानून के कान, इतने बड़े कान है, आधा किलो दाल तो इसमें पक सकती है। असड़ है तो क्या मर्द है पंजाब के, ये दोनों हाथ जोड़े ना, ये मर्द के हाथ है। 2020 इन पे हो सकता है। अपने हाथ में नाजुक से नक देखा अपना, हाँ, क्या चेहरे पे तितली बैठी हुई है। वाह, बहुत अच्छी बात। इधर नाक देख, वाह, और देख भी लग जाए ना, पूरा मल्ला इसमें पनाह ले ले। आहा, क्या बात है। आबश भाई, इतने बड़े क्राइम लोगों को बिठाया हुआ है, इनको पता है कि ये थाना आबाद है? क्राइम लोगों को नहीं, क्राइम आबाद है। एक जमाने में आबाद था, अब तो बर्बाद है, बेहाल है, बल्कि आजकल के सियासी हालात के हिसाब से तो इस्लामाबाद है। जिसका दिल करता है बर्बाद करके चला जाता है। क्या क्या क्या, किसने क्या बिगाड़ दिया आपका? बिगाड़ क्या दिया, उसके छोड़ा क्या है? चीमा साहब ने एक एक फिल्म में हमारे 300 बंदे मारे हैं पुलिस के, इसी फिल्म में 400 मार देते हैं। सर जी, इतनी मुश्किल से हम भर्तियां पूरी करते हैं, हमारी एनरोलमेंट नहीं पूरी होती। पुलिस जब पुलिस पे फायरिंग होती है, उस वक्त तुम कहाँ होते हो? मुझे आईजी साहब का हुक्म है कि तूने थाने से बाहर नहीं जाना। अच्छा, तेरा आईजी तुझे बचाता है? आईजी असल में इनके ससुर। जब जब क्या है ससुर? अब मेरे कहा से ससुर आ गए? जब आपका बात हो तभी से बात करो, या आपके अंदर से भी गोलियां निकाल लेंगे। साजी ससुर है तो पुलिस में पड़ती हो गया, वगरना ऐसे बंदे मौत के खूह पे टिकटें ब्लैक कर रहे हो। इनके आपका ससुर आईजी है? सॉरी, आईजी इनके साहब का ससुर है? नहीं, इनके ससुर साहब का आईजी है। मैं एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर ये बात कर लेते हैं। यार, ये आपने अभी बताई ना, इंफॉर्मेशन इंप्रोवाइज कर रहा हूँ। आईजी साहब को होगा मैं क्या? अच्छा, आप इनका थाना देखे नहीं है? ये लिखा है यहाँ रिश्वत देना मना नहीं है। हंसना मना है क्योंकि हमारे मुल्क को जिस काम से मना करो वही काम करते हैं, तो फिर ये लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? वो रिश्वत नहीं दे रही। हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही है। हाँ, देखते मैं कोई गलत कह रहा हूँ? यार सही कह रहे, देख तो सही कितने बड़े फनकार आए हुए हैं। जानता हूँ चीमा साहब को। हाँ, चीमा साहब ताबश भाई दूर अंदेश फनकार है। दूर अंदेश मिसाल हो जाए सर, इनको पता था कि एक दिन पेट्रोल ने 200 रुपए तक लीटर जाना है। ठीक है, इसलिए इन्होंने शुरू से ही लड़कियों को घोड़े पे उठाया। किस पे? घोड़े पे, हॉर्स। हॉर्स समझता है, कैटल शो। यार ये ज़ूम आनी बातें जो हो रही है ना यार, ज़ूम आनी नहीं थी, वो क्लियर थी। अरे पागल है। अच्छा चीमा साहब, आप घोड़ा, आपकी इतनी बात मानता है, कभी लोगों की मालिश की है? घोड़े के भी कभी मालिश की है? यार ये मैं कर सकता हूँ। यार मेरी बात सुनो, उठाएं सर ये ले। नहीं, ये कितनी बुरी बात है यार, मैं सारे शो में बोलूं? नहीं नहीं, गलत बात है यार। मैं खड़ा हो गया। क्या हुआ चीमा साहब? होना की है ये मजाक है यार? यार मजाक की कौन सी बात है, ये तो वैसे यार मैंने फिल्म में काम किया यार, मैं को मानचे तो होनी। मैं कह रहा कहना, आप एंकर, आप समझाने की कोशिश करें। नहीं नहीं चीमा साहब, नहीं यार, नहीं नहीं, ये इन्हीं का यार, आप सब चीमा साहब ये इनका लिखा हुआ बोल रहे हैं। मैं चल जा रहा हूँ यार। यार कहाँ ऐसा शो यहाँ करते आप? नहीं यार, खड़ा हो, कोई ऐसी बात नहीं यार। नहीं यार, तुम आपको पता है, आप नहीं समझा सकते यार। नहीं सर, नहीं नहीं यार, यार बात सुनो, ये बात गलत है, मत करना, आ जाओ। नहीं बुरी बुरी गल है, मैं भी ताबिश भाई लिख के दे, मैं ड्रामा कर रहा हूं यार। मैं तो यार मुझे पता भी नहीं कि सीरियस है नहीं आप सर। आप सीरियस का मतलब ये क्या हुआ? ये बुरी बात है यार, बहुत बुरी बात है। मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं पाकिस्तान का सुपरस्टार हूं यार। आप लेजेंड हैं सर, आई एम सॉरी। और यार छोड़ यार, सर आजा, तुम ना नहीं, आई एम सॉरी। और यार छोड़ यार, मैं यार चीमा साहब देखो। नहीं यार छोड़ यार, भाई
आराम, मेरे सीनियर है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ यार। सीनियर है तो मैंने क्या कह दिया है, मालिश की नहीं है आपने। अरे यार यार मैं को गलत कह रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने ये वाकये हुए हैं। यार यार मुझे ना बता यार ये क्या बन रहा है, अभी करनी क्या जरूरत थी यार, पागल ना बाड़े यार, छोड़ ना, इजी इजी इजी। अच्छा आप सब घर में मान आए हुए हैं, इज्जत करते हैं, मैं बैठा हूं आपको अब तो सर करना करे नहीं यार, बुरी बात है यार, बहुत सर तशरीफ रखें आप। चलो यार प्रोग्राम खत्म कर दे, अब मान गए कि मैं मालशी है। माफ कर दे यार, तेरी बड़ी मेहरबानी है। मुझे तो बताओ ना ये हमारे शो में हो रहा है, आपको इतना नहीं बताना था हमने, मुझको बताओ यार। ठीक हो गया, तेरा शो अच्छा हो गया भाई। आपको लग रहा होगा ये प्लांटेड है, मुझे नहीं पता था भाई, अल्लाह की कसम। मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन और सबसे बड़े हीरो शफकत चीमा एंड नई एजाज। मिलेंगे हंसना।